आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट का हम लोग पहला सेशन आज डिस्कस करेंगे। ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट पी, पॉइंट को डिनोट करेंगे पी से। तो सेशन वन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट का हम लोग पहला सेशन का डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। इमेजिन कीजिए कि कोई रेफरेंस फ्रेम एफ है, एफ इज सम रेफरेंस फ्रेम, कोई पॉइंट पी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का सेंटर सी है, इसका रेडियस आर है, कोई पॉइंट है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, कोई पॉइंट पी है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अब वो सर्कल में ऐसे भी मूव कर सकता है और या ऐसे भी मूव कर सकता है। अगर ऐसे मूव करेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कहेंगे या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और अगर ऐसे मूव करेगा तो उसको क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन का सेंस होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट अगर सर्कल में क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कहेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो है सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन ये या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट विल आइदर बी क्लॉकवाइज और इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग ब्रैकेट में शॉर्ट में ऐसे डिनोट करेंगे क्लॉकवाइज सेंस देखिए, और एंटी क्लॉकवाइज को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन का सेंस बताता है, ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन का सेंस बताता है। ये देता है क्लॉकवाइज सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये देता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो होता है जो आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा मान लीजिए टाइम जीरो पर पॉइंट यहां था, पी एट टी बराबर जीरो, तो क्या किए, सी को, सी सेंटर ऑफ सर्कल है, सी को पी से जोड़ दिए। सी से पी एट टाइम जीरो को जो लाइन जोड़ता है इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। दिस इज द रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलेंगे। मान लीजिए पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे किसी इंस्टेंट टी पर पॉइंट यहां पर है, पी एट टाइम टी, उसको जोड़ दिए इससे, ये थीटा एंगल है, अच्छा इमेजिन कीजिए डी टी सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहां आ गया, पी एट टाइम टी प्लस डी टी, फिर से जोड़ दिए सी को पी से, ये एंगल हो गया डी थीटा, देखिए ये डी थीटा एंगल हो गया। तो टी टाइम पर पॉइंट यहां सिचुएटेड था, उस वक्त सी और पी ब्रैकेट टी का जो रेडियस था वो रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बनाया। डी टी सेकेंड्स लेटर, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम डी टी सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहां आ गया, सी को पी टी प्लस डी टी से जो जोड़े, ये लाइन जो है सी पी टी से डी थीटा एंगल घूम में किया, यानी टी से टी प्लस डी टी में पॉइंट जो लाइन सी पी है वो डी थीटा एंगल से टर्न कर गया है।
तो हम बोलेंगे एंगल थ्रू विच द रेडियस वेक्टर सीपी टर्न्स इन डीटी सेकेंड्स। तो डीटी सेकेंड्स में जो रेडियस वेक्टर सीपी है वो डी थीटा एंगल से टर्न कर गया, तो ये डीटी टाइम में जो रेडियस वेक्टर सीपी है वो डी थीटा एंगल से टर्न कर गया है। इट हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ डी थीटा इन डीटी सेकेंड्स। अच्छा, सी को पी से जो लाइन जोड़ेगा उसको रेडियस वेक्टर कहेंगे। यहां तक समझ गया, सब क्लियर है? अच्छा, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, डी टी टाइम में जो लाइन सी पी है दैट टर्न्स टू एन एंगल ऑफ डी थीटा, इंप्लाई करेगा वन सेकेंड में जो लाइन सी पी है दैट टर्न्स टू एन एंगल ऑफ डी थीटा बाय डी टी। इसी को ओमेगा बोलते हैं से, एंड ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सी पी एट टाइम टी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी, इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा देखिए, इन जनरल जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है वो टाइम का फंक्शन होता है, टाइम के साथ चेंज करता है। सो इन जनरल ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे मान लीजिए एट टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, टी टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, वही चीज यहां लिखा है। और एट टाइम टी प्लस डी टी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस डी ओमेगा। देखो, डी टी सेकेंड्स में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस ओमेगा। इन टाइम टी टू टी प्लस डी टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डी ओमेगा। अब टी से टी प्लस डी टी में डी टी सेकेंड्स बीता है, तो डी टी सेकेंड्स में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज डी ओमेगा है। यानी यूनिटरी रूल से वन सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डी ओमेगा बाय डी टी होगा, जिसको हम बीटा बोलेंगे से। इसमें बीटा क्या कहलाता है? बीटा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी बीटा। बेसिकली बीटा क्या है? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी, वही बीटा है।
ये जो बीटा है इट इज द टाइम रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सी पी एट टाइम टी। यह बीटा है, यहां तक समझ गए, क्लियर है? पूरा मिटा आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे सेंस ऑफ रेवोल्यूशन होता है, सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, वैसे ओमेगा और बीटा का भी सेंस होता है। ओमेगा एंड बीटा आल्सो हैव सेंस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा एंड बीटा आल्सो हैव सेंस, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ओमेगा का भी सेंस है, क्लॉकवाइज बीटा का भी सेंस है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेंस है, दोनों का होता है सेंस। अच्छा एक बार जानिए, ये जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ओमेगा एंड बीटा आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओमेगा एंड बीटा आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओमेगा और बीटा दोनों जो है बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओमेगा और बीटा दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ऐसे बहुत प्रिसाइसली ऐसे लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको एंगुलर स्पीड कहते हैं, और उसका डायरेक्शन जो होता है सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, वेक्टर है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है देखिए इसी को एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो एंगुलर स्पीड जो है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, समझ गए? एंगुलर स्पीड जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब ये एंगुलर स्पीड is the magnitude of angular velocity। अच्छा, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है तो ओमेगा का कुछ डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और बीटा का भी, दोनों एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा का जो डायरेक्शन है और बीटा का जो डायरेक्शन है
वो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है जिसपे पॉइंट घूम रहा है, जिसका सेंटर सी पर है, रेडियस आर है। ये देखिए, ये पॉइंट एट टाइम टी है। देखिए, मान लीजिए इसका ओमेगा का सेंस ऐसा है, इस सेंस में ये रिवॉल्व कर रहा है। देखिए, ओमेगा का दो एस्पेक्ट है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ बीटा एंड ओमेगा, सेंस एंड डायरेक्शन। टू एस्पेक्ट्स ऑफ बीटा एंड ओमेगा, दो एस्पेक्ट क्या है, डायरेक्शन एंड सेंस। डायरेक्शन एंड सेंस, सेंस वही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेंस है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। सेंस है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस है इसका। इसको मिटा देते हैं। देखिए, सेंस और ओमेगा का जो डायरेक्शन है, बीटा और ओमेगा का जो सेंस और डायरेक्शन है, दे आर रिलेटेड टू इच अदर बाय द राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ बीटा एंड ओमेगा आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द राइट हैंड थंब रूल। ओमेगा और बीटा दोनों का जो सेंस और डायरेक्शन है, एक दूसरे से राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर वाया द राइट हैंड थंब रूल। वो दोनों एक दूसरे से राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड है। देखिए, इसको समझिए जरा। हाँ, ये राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में बार बार आता है। देखिए, सिंपली मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, राइट हैंड का जो फोर फिंगर्स देख रहे हैं, अंगूठा छोड़ के चार उंगली, इसको फोल्ड कीजिए अलोंग द सेंस ऑफ ओमेगा या बीटा। तो जिधर राइट हैंड का स्ट्रेट थंब पॉइंट करेगा, वही ओमेगा या बीटा का डायरेक्शन होगा। समझ गए? जैसे देखिए, मान लीजिए ओमेगा का सेंस है क्लॉकवाइज सेंस, देखिए इसे क्लॉकवाइज सेंस, मतलब कि कहने को तो रूल ये है, मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या है उसको समझिए। राइट हैंड थंब रूल मतलब हुआ कि राइट हैंड का फोर फिंगर्स को हम फोल्ड किए अलोंग द सेंस ऑफ ओमेगा या बीटा, और राइट हैंड का स्ट्रेट थंब जिधर पॉइंट करेगा वही ओमेगा या बीटा का डायरेक्शन देगा, वही हमको ओमेगा या बीटा का डायरेक्शन हमको वो देगा। दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड बीटा, वही हमको ओमेगा और बीटा का डायरेक्शन देगा। तो हम क्या करेंगे, वी फोल्ड, राइट हैंड थंब रूल क्या है वो बता रहे हैं आपको, राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहे हैं, वी फोल्ड द फर्स्ट फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द सेंस ऑफ ओमेगा या बीटा, जो भी जिसका भी निकालना चाहते हैं, ऑफ ओमेगा एंड बीटा, एंड कीप द थंब ऑफ राइट हैंड स्ट्रेट, कीप द थंब ऑफ
राइट हैंड स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट थंब ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या बीटा. Of straight thumb of right hand gives the direction of omega or beta. Direction of omega या बीटा जो भी इसका भी निकाल रहे हैं. यही आपका राइट हैंड थंब रूल कहलाता है. इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, अपना राइट हैंड का जो चार वो फिंगर है अंगूठा छोड़ के इसको फोल्ड करेंगे उस इंस्टेंट पर ओमेगा के सेंस के लॉन्ग, और राइट हैंड का स्ट्रेट थंब जिधर पॉइंट करेगा वही मेरा ओमेगा का डायरेक्शन देगा. बीटा के लिए भी सेम रूल है, सेम रूल फॉर ओमेगा एंड बीटा बोथ. जैसे देखिए, इमेजिन कीजिए मेरा सर्कल है, सी सेंटर है, ये पी एट टाइम जीरो है, ये पी एट टाइम टी है, ये देखिए ओमेगा का सेंस यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है. देखिए ओमेगा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज सेंस को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में. तो यहां पर हमको इस ओमेगा का डायरेक्शन जानना है. तो राइट हैंड को क्या करेंगे, चार को फिंगर देख रहे हैं, इसको ओमेगा के सेंस के लॉन्ग फोल्ड करेंगे और राइट हैंड थंब जिधर पॉइंट करेगा वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज बीटा का भी सेम डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा. तो ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा का डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. Is perpendicularly out of plane of board. तो भाई बीटा के लिए भी सेम ये है. अच्छा, इसको आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड को डायरेक्शन को डॉट में लिखते हैं. ये डॉट मतलब कि नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड. बीटा के लिए भी सेम रूल है. अगर बीटा का भी डायरेक्शन सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो बीटा का जो डायरेक्शन होगा वो डॉट होगा. मतलब एंटी क्लॉकवाइज बीटा का भी डायरेक्शन जो होगा नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा का भी डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. ओमेगा का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंटी क्लॉकवाइज है उसका डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. बीटा का सेंस भी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बीटा का डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. ठीक है, मिटा दें इसको पूरा. तो उसी तरह से मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर सी है, ये पी एट टाइम टी है, ओमेगा का सेंस इसमें क्लॉकवाइज है, तो इसमें बीटा ओमेगा का डायरेक्शन कैसे जानेंगे. राइट हैंड ले लीजिए, चार को फिंगर ले लीजिए एक्सेप्टिंग द थंब, चारों फिंगर जो है राइट हैंड का उसको फोल्ड करेंगे ऑन द सेंस ऑफ ओमेगा. ओमेगा का सेंस क्लॉकवाइज है तो फोल्ड करेंगे ऐसे, राइट हैंड का थंब स्ट्रेट रखेंगे वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड पॉइंट करेगा, तो वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. इसका मतलब ये हुआ ओमेगा का सेंस अगर क्लॉकवाइज होगा ओमेगा का डायरेक्शन क्रॉस होगा, क्रॉस मतलब नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड.
बीटा के लिए भी सेम रूल अप्लाई करता है। अगर बीटा का सेंस भी क्लॉकवाइज है तो बीटा का डायरेक्शन भी क्रॉस होगा, मतलब नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। जो ओमेगा का रूल है बीटा के लिए वही रूल चलता है। इसका मतलब हुआ ये भी जो होगा परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड क्रॉस डॉट। क्रॉस और डॉट समझ गया ना, यही आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया, यही आपका राइट हैंड थंब रूल है। तो ओमेगा का सेंस अगर क्लॉकवाइज होगा उसका डायरेक्शन नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। बीटा का सेंस भी क्लॉकवाइज होगा तो बीटा का डायरेक्शन भी क्रॉस होगा नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओमेगा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ओमेगा का डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, उसको ओमेगा डॉट लिखेंगे। बीटा का सेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बीटा का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, उसको बीटा डॉट लिखेंगे। ये ओमेगा बीटा का आपको हम बता दिए पूरा सेंस और डायरेक्शन, यही राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। अच्छा, कन्वर्सली जैसे मान लीजिए ओमेगा का डायरेक्शन दिया है तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसे जानेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का जो थंब है उसको ओमेगा के लॉन्ग अलाइन कीजिए और रिमेनिंग फोर फिंगर्स को फोल्ड कीजिए, तो फोर फिंगर्स का जो फोल्डिंग का सेंस होगा वही ओमेगा का सेंस देगा। बीटा के लिए भी सेम रूल है और बीटा ऑल्सो भी अप्लाई द सेम रूल। कन्वर्सली If direction of omega is given or beta, vector is line बना दिए, in that case we can find the sense of omega or beta by using the following rule, वही राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करेंगे, राइट हैंड का जो फोर फिंगर्स है अंगूठा छोड़ के उसको ओमेगा या बीटा के सेंस के लॉन्ग फोल्ड करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग राइट हैंड का थंब को अलाइन करेंगे ओमेगा या बीटा के लॉन्ग और रिमेनिंग फोर फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, द सेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ द फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ ओमेगा या बीटा। तो वी अलाइन द थंब ऑफ राइट हैंड along the direction of omega या beta, जो भी है omega और beta, and fold the remaining four fingers of right hand। Sense of folding of the four fingers of right hand gives the sense of omega or beta. Folding of the first four fingers of right hand gives the sense of omega or beta। तो अगर omega और beta का direction given है और उसका sense जानना है तो right hand का जो four fingers है अंगूठा छोड़ के, right hand का जो thumb है उसको omega या beta के along align करेंगे और remaining four fingers को fold करेंगे along the sense of omega या beta।
राइट हैंड के फोर फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, तो सेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ दिस फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड वही हमको ओमेगा या बीटा का सेंस देगा, दैट विल गिव अस द सेंस ऑफ ओमेगा और बीटा। समझ गए? तो इस रूल के अनुसार देखिए, अगर अगर ओमेगा का डायरेक्शन क्रॉस है नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इसका सेंस कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि देखिए ओमेगा का डायरेक्शन क्रॉस है, राइट हैंड का थंब अलाइन किए अंदर में और रिमेनिंग फोर फिंगर्स को फोल्ड किए, फोल्ड कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है फोल्ड, इसमें ओमेगा का जो सेंस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। बीटा के लिए भी सेम रूल अप्लाई करेगा, अगर बीटा का डायरेक्शन क्रॉस है तो बीटा का जो सेंस होगा वो भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, सेम अगर आउटवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको मिटाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ओमेगा का डायरेक्शन डॉट है, डॉट मतलब नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, इसमें हमको जानना है ओमेगा का सेंस, तो राइट हैंड का थंब को अलाइन कीजिए ओमेगा के लॉन्ग, रिमेनिंग फोर फिंगर्स को फोल्ड कीजिए, फोल्ड ऐसे हुआ लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ओमेगा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो सेम रूल अप्लाइज फॉर बीटा ऑल्सो, अगर बीटा मेरा डॉट है यानी कि बीटा का डायरेक्शन नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, बीटा का जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कि ओमेगा और बीटा का सेंस और डायरेक्शन दोनों एस्पेक्ट आपको हम समझा दिए हैं, क्लियर? अच्छा, एक बात जानिए कि सर्कुलर मोशन में अगर किसी इंस्टेंट पर ओमेगा और बीटा का सेम सेंस है, डायरेक्शन भी सेम होगा, और उस समय एंगुलर स्पीड बढ़ेगा टाइम के साथ। अच्छा, किसी इंस्टेंट पर अगर सर्कुलर मोशन में ओमेगा और बीटा का सेंस ऑपोजिट है, यानी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा, उस समय एंगुलर स्पीड ओमेगा घटेगा। ये सब याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा मत, ये सब ध्यान में रखिएगा, है ना। इफ सेंस ऑफ ओमेगा एंड बीटा, ये वेलोसिटी है, वेक्टर है, इसमें एरो बना दिया है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज सेम, इसका मतलब होगा कि इस इंस्टेंट पर जो एंगुलर स्पीड है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा विल इंक्रीज, इंक्रीज विद टाइम। उसी तरह से अगर किसी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का सेंस ऑपोजिट है, तो उस इंस्टेंट पर लाइन सीपी का जो एंगुलर स्पीड है वो टाइम के साथ घटेगा। If at a certain instant omega and beta have opposite sense then at this instant एंगुलर स्पीड ओमेगा विल डिक्रीज विद टाइम। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर किसी इंस्टेंट पर ओमेगा और बीटा का सेंस सेम है,
उस इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड टाइम के साथ बढ़ेगा, और सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर अगर ओमेगा और बीटा का सेंस ऑपोजिट है तो उस इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। सेम सेंस तो इंक्रीज करेगा, ऑपोजिट सेंस तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे बीटा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, इसको अगर चेन रूल लगा दें, इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी ओमेगा हो जाएगा, यानी ओमेगा को पहले लिख देंगे तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। बीटा और ओमेगा का ये रिलेशन भी ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में आता है, रिजल्ट बार बार यूज होता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, बीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा होता है, बीटा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये बीटा होता है, ठीक है ना, पूरा मिटा देते हैं। चलिए जरा हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स डील करेंगे जिसमें बीटा कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन इन विच बीटा इज कांस्टेंट। इन विच बीटा इज कॉन्स्टेंट, सर्कुलर मोशन इन विच बीटा इज क्या कॉन्स्टेंट। अच्छा बीटा कॉन्स्टेंट है कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बीटा आर बोथ फिक्स्ड। मान लेते हैं कि लेट ओमेगा नॉट बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी एट टाइम जीरो, या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी, सीपी सी सेंटर है, पी पॉइंट है जो सर्कल में जा रहा है, देखिए, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सीपी एट टाइम टी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन सीपी एट टाइम टी। अच्छा देखिए हम लोग जानते हैं डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है, बीटा होता है, अब डी टी को उधर शिफ्ट कर दिए, डी ओमेगा बराबर बीटा डी टी, अब इसको दोनों तरफ क्या किए इंटीग्रेट कर दिए, उन्हें लिमिट नहीं डालते हैं अभी, इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल ओवर बीटा डीटी, टी का लिमिट्स होगा जीरो टू टी, टी जब जीरो है तो ओमेगा मेरा ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट लिखा हुआ है देखिए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब ये लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अच्छा बीटा मेरा कांस्टेंट है देखिए, चूंकि बीटा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो बीटा टाइम्स इंटीग्रल डी टी जीरो टू टी, अब जीरो टू टी जीरो टू टी इंटीग्रल डी टी टी हो जाएगा, तो बीटा टी होगा, यानी कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी पहला फॉर्मूला हो गया जब बीटा कांस्टेंट है तब। अब ओमेगा को लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, अब इसको क्या करेंगे डी टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी थीटा बराबर ओमेगा नॉट डी टी
प्लस बीटा टी डी टी। अब इसको दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रल प्लस बीटा टी डी टी का इंटीग्रल। अच्छा, टी का लिमिट्स अगेन जीरो टू टी होगा, यहां भी जीरो टू टी होगा। जब टाइम जीरो है तो थीटा मान लेते हैं जीरो है, टी टाइम पर थीटा मान लेते हैं थीटा है। अच्छा, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो थीटा हो जाएगा, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है मेरा, इसमें ओमेगा नॉट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटीग्रल डीटी जीरो टू टी। अच्छा, बीटा भी मेरा कांस्टेंट है एज पर आवर अजम्पशन, इसलिए बीटा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल टी डीटी जीरो टू टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा बराबर आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय टू। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला देखिए, डी ओमेगा बाय डी टी बराबर बीटा, बट हम जानते हैं बीटा को ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिख सकते हैं, तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा बराबर बीटा होगा। अब डी थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा डी ओमेगा बराबर बीटा डी थीटा हो गया। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फिर से, ओमेगा डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल ओवर बीटा डी थीटा। थीटा का लिमिट होगा जीरो टू थीटा, ओमेगा का लिमिट होगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अब उसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो आएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर बाय टू बराबर ओमेगा स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय टू। अच्छा, बीटा मेरा कांस्टेंट है, देखिए बीटा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी थीटा जीरो टू थीटा जो कि थीटा हो जाएगा, बीटा थीटा हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू बीटा थीटा। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, देखिए। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला देखिए, हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय टू। अच्छा, ओमेगा नॉट टी को लिखेंगे ओमेगा नॉट टी बाय टू प्लस ओमेगा नॉट टी बाय टू प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय टू। इसको लिखेंगे ओमेगा नॉट टी बाय टू, इसमें टी बाय टू कॉमन है, देखिए टी बाय टू कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी होगा, ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी ओमेगा होता है फर्स्ट फॉर्मूला से। दिस विल इम्प्लाई थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी बाई टू, ये क्वांटिटी मेरा फर्स्ट फॉर्मूला से ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला प्लस ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी। ये जाके आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया, देखिए दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। यहां देखिए, ये सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का प्रिलिमिनरी डिस्कशन हम किए हैं आप लोगों के साथ। सर्कुलर मोशन में रेफरेंस लाइन क्या होता है बता दिए, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है तो समझ ही रहे हैं। कोई पॉइंट है जो सर्कल में जा रहा है, उसका दो टाइप का सर्कुलर मोशन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग किस सेंस में वो रिवॉल्व कर रहा है पॉइंट। फिर हम लोग बात किए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है हम लोग देखे, दोनों का सेंस और डायरेक्शन है, दोनों आपस में राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड है। डायरेक्शन पता है तो थंब सेंस कैसे जानेंगे, और सेंस पता है तो डायरेक्शन कैसे जानेंगे, सब बता दिए।
ये भी देखिए कि अगर ओमेगा और बीटा का सेम सेंस है तो उस इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड टाइम के साथ बढ़ेगा, अपोजिट सेंस है तो एंगुलर स्पीड टाइम के साथ घटेगा, ये भी बता दिए। अच्छा ये भी बता दिए कि बीटा कांस्टेंट है, चार को फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए, बीटा कांस्टेंट है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, तो चार को फॉर्मूला डिराइव किए हम लोग, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू बीटा थीटा, एंड थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी। ओमेगा नॉट जो है लाइन सी पी का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और थीटा कितना एंगल से टर्न किया लाइन सी पी टी टाइम में, तो मिला के देखिए चार को फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं, ठीक है ना। तो कल से हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इससे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका टेकअप करेंगे, इसमें अराउंड 10 वीडियोज़ बनेगा, समझे ना, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट का 10 वीडियोज़ बनेगा अराउंड 40 मिनट्स का, समझे ना, इसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तभी यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनेगा इस पर।